तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप सभी के आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिर्फ 10 रुपये में, केवल 10 रुपये में ऐसा माइक कैसे बनाना है, चाहे आप लोग यूट्यूब के पर्पज़ के लिए या फिर किसी और भी पर्पज़ के लिए माइक बनाना चाहते हो तो घर बैठे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में ये वाला माइक बना सकते हो। और मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बना के दिखाऊंगा और ऑडियो क्लैरिटी सुनाऊंगा कि भाई क्या मज़ेदार क्वालिटी रहने वाली है। आप लोग बस वीडियो पूरा एंड तक देखते रहे, सबको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों मैं अमन और आप देख रहे हैं बिंग टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को माइक बनाना कैसे है 10 रुपये में, आइए आप जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों जो है सबसे पहले एक कोई भी मोबाइल की लीड ले लेनी है, सभी के पास होगी। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की ली, आप व्हाइट कलर की ले लो, जैसी मर्जी ले लो, कैसी भी क्वालिटी की ले लो, इट डजंट मैटर, क्वालिटी आपको बेस्ट ही मिलने वाली है ऑडियो रिकॉर्डिंग में, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लीड ले ली है मोबाइल की, ये काफी पुरानी लीड है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं अच्छी क्वालिटी की लीड लूंगा तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग तो अच्छी आएगी। मैं दिखाना चाहता हूँ कि लो बजट के अंदर मतलब कैसे माइक बनाना है 10 रुपये में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लीड ले ली है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है ये, यहाँ पे जो है ना ये हमारा माइक के ऊपर लगता है बेसिकली। ये दोस्तों बेसिकली इस चीज के लिए होता है, जो भी बैकग्राउंड से नॉइज आती है ना, मतलब फालतू की नॉइज आती है, वो कैंसिल करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए ये वाला यूज़ करा जाता है, फिल्टर कहते हैं इसको, ठीक है। आप लोग किसी भी शॉप पे जाके, मोबाइल की शॉप पे जाके पता कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जो है ना फिल्टर सिंपली इसके ऊपर लगा देना है और इसमें एक होल है, उस होल को कवर कर देना है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी जो वीडियो शूटिंग हो रही है, मैं इसमें से ये वाला माइक हटाता हूँ, विदाउट माइक की आवाज़ सुनाऊंगा और ये वाला माइक जो बनाएंगे इसकी आवाज़ सुनाऊंगा, देख लेना यार कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप अब ऑडियो सुन रहे हो ना, ये विदाउट माइक है, कोई भी माइक मैंने नहीं लगा रखा है, कोई भी नहीं है, ये मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है सैमसंग A50s से, ठीक है। तो ये सुन सकते हो, ये है मेरी विदाउट माइक की मतलब वॉइस है ये, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो हमने माइक बनाया है ना 10 रुपये का, इसके बाद आप लोगों को सुनाता हूँ सीधा डिफरेंस। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने यार विदाउट माइक मेरी आवाज़ सुनी थी, ऑडियो सुनी थी, मतलब बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा था। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये 5 रुपये की या फिर 10 रुपये की चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे जो है मैंने जैसे ये यूज़ किया, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी आवाज़ में जो है बहुत ही क्लियरिटी हो गई है। और बैकग्राउंड से मतलब नॉइज़ अभी है फिलहाल तो मेरे घर के बाहर, लेकिन वो नॉइज़ आप लोगों को नहीं सुनाई दे रही है। तो ये डिफरेंस है बस इस 10 रुपये की चीज़ का। तो दोस्तों आई होप अब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि यार एक सिर्फ 10 रुपये की चीज़ से जो है कितना ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। कि मतलब विदाउट लीड में अगर बना रहा था, विदाउट माइक बना रहा था वीडियो, तो देख रहे थे कितनी मतलब दूर दूर से आवाज़ आ रही थी, मतलब बैकग्राउंड भी नॉइस आती है, तो एडिटिंग वैसे सबको नहीं आती है। तो आप लोग बस यार 10 रुपये का सामान यूज़ कर सकते हो, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया है ये यूज़ करो और ऑडियो क्लैरिटी में खुद डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने लीड जो है ये पैनासोनिक की ली थी, जो कि काफ़ी पुरानी है, वो इसलिए ली थी, चाहे तो मैं दोस्तों सोनी की भी ले सकता था, मेरे पास और भी नई नई लीड्स हैं, लेकिन मैंने वो नहीं ली क्योंकि मैं हर किसी के पास महंगी लीड नहीं होती, तभी मैंने जो है ये पुरानी लीड लेके आप लोगों को ऑडियो क्लैरिटी सुनाई कि अगर पुराने में इतनी अच्छी आ सकती है तो न्यू में भैया तगड़ी आएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे जल्द आए और आप लोग देख के कुछ ना कुछ फायदा उठाते रहो। और भाई वीडियो देख के अगर मजा आया हो, विदाउट माइक और विद माइक में अगर ज़्यादा डिफरेंस लगा और मजा आया ना देखने में, तो कमेंट करके बता देना यार, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तो आप लोगों के लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय।